नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पीयूष और स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे। तो फिलहाल बज रहे हैं, घड़ी रुकी हुई है लेकिन बज रहा होगा 9:10 के आसपास। टाइम एग्जैक्ट देखना पड़ेगा अभी क्या है। टाइम है 10:15 और आज हमारा हैप्पी बर्थडे टू यू, तो आज सेलिब्रेट करेंगे हम। सुबह सुबह देखिए हमारे बचपन के बाल सका दोस्त लाला भाई आ गए हैं। लाला भाई हमारे लिए जलेबी लाए हैं, गिफ्ट लो कैमरा के आगे, हैप्पी बर्थडे विश कर, धन्यवाद। आज ऐसा ही से हमारा बर्थडे है, लाला के यहाँ भी हैप्पी बर्थडे मना रहा। हमारी जो आंटी जी हैं उनका भी आज हैप्पी बर्थडे, अभी हम जाएंगे उनसे पलागो करने, आशीर्वाद लेने उनका। ये रिवाज बहुत पहले से चला आ रहा है, जब हम छोटे थे कि जब पता लगा था कि आंटी का बर्थडे, तो हम बोले चलो जी ये बर्थडे शेयर करता है आदमी आंटी से, तो जाएंगे भी आंटी का भी आशीर्वाद देंगे। लाला भाई मले जलेबी, जलेबी बस लाए कि और कुछ है? देखिए जलेबी बस लाए, इनको पता है कि जलेबी नहीं खाते हैं ज्यादा, ऐसी चीज लोग लेके आते हैं जो पता है कम खाऊंगा, तो ये नहीं ले आते कुछ समोसा वोसा ले आते हैं। समोसा गरम बाद में मिलेगा ना, ज्यादा सब ठंडा हो जाता है, मुझे पता था कि आप सो रहे होगे अभी, तो भी काहे दरवाजा खटखटा डिस्टर्ब करने आए, अब तो चलने का समय हो गया था। चश्मा पहन के तो हो गया। लाला भाई हमारे बचपन के मित्र हैं, बड़े हैं हमसे और सबसे पुराने मित्रों में से एक है, तो लाला भाई हमारे बर्थडे विश करने आए। अब हम जा रहे हैं लाला भाई जलेबी लिए, आज हम ब्रश नहीं करेंगे मालूम, आज बर्थडे है तो ब्रश नहीं करेंगे, मजाक करें क्या है करेंगे, लेकिन नॉर्मली क्या होता है कि आप जब ब्रश करते हो तो अंदर जो कीटाणु होते हैं वो मर जाते हैं, लेकिन कुछ कीटाणु छुप जाते हैं, तो मैं क्या करता हूँ, ब्रश नहीं किया, जलेबी खाऊंगा, कीटाणु बोलेंगे आज तो पार्टी है, साले निकलेंगे, और जैसे निकलेंगे मैं आके ब्रश कर लूंगा मर जाएंगे। ये अच्छी थ्योरी है, दिमाग थ्योरी, दिमाग दिमाग। तो चलो आज के ब्लॉग कंटिन्यू करते हैं। एक और रिवाज है, बल्ली भैया हमें गिफ्ट में हमेशा हमारे बर्थडे में गेम्स की डीवीडी देते हैं, प्लेस्टेशन 5 है हमारे पास, पहले 4 की दिया करते थे, अब 5 है, तो हम जाएंगे आज तो प्रकाश भैया, प्रकाश जी, प्रकाश इलेक्ट्रॉनिक्स यानी हेमंत भाई के सोनी के शोरूम, और वहां से हम खरीदेंगे मॉडल कॉम्बैट 1, और देखते हैं अगर मूड होगा दी लास्ट ऑफ अस पार्ट 1 भी लेंगे, क्योंकि बल्ली भैया और हमारे बीच करीब आज से कि हर बर्थडे में हमको गेम्स की डीवीडी देते हैं वो। उसके अलावा नानी के पास जाएंगे, वो भी एक रिवाज है, नानी हमें बहुत पहले से 500 रुपये देती आई है, तो 500 रुपये आशीर्वाद के मिलेगा, और उसके बाद देखते हैं क्या होगा आगे, अभी कुछ पता नहीं है क्या करें, अभी तो दिन की शुरुआत है, अब देखते हैं आगे क्या होगा, जैसा होगा ब्लॉग बनाते जाएंगे। और चलो जलेबी खा ले जल्दी से, ठंडी हो जाएगी नहीं तो। मम्मी पापा को बहुत बहुत बधाई हो, इतना शानदार औलाद हुआ आज। मम्मी आज क्या है, लाओ पैसा वैसा निकालो, पार्टी करें, मेला करने के लिए दे दो जो भी हो, है ना लाला भाई, है ना। ये देखिए हमारे यहाँ मल्टीग्रेन रोटी बनती है, वही सब सूख रहा है, वो औलाद ही क्या जो माँ बाप को छठी का दूध नया दिला दे, पापा को पर्दे पिला दोगे हैं, चाचा जी को पर्दे पिला दोगे यूट्यूब में, नहीं नहीं क्या कहला है, कहाँ जा गया आज। हम सोच रहे हैं पहले बल्ली भैया गिफ्ट ले, हमारा रिवाज है कि बल्ली भी हमको वीडियो गेम का डीवीडी देते हैं हर बर्थडे पे, तो वो लूंगा, और फिर अपना 500 रुपये नानी के यहाँ लेने जाऊंगा, वो भी एक रिवाज है, फिर देखते हैं यही सब है, देखेंगे खाओगे कितनी देर का, नहीं दिन का खाब आओ का है खाब ना, जलेबी लाया बहो, अपने हाथ से खिलाओ, हाथ साफ है नहीं बे, नाकों को नहीं डाले हो, धुल लेंगे, हाँ धुल लो चलो। अंत का बटा की शक्तिमान गंगा का शक्तिमान है, हाँ सही कह रहा, तो ये देखिए लाला भाई जलेबी लेके आए हैं, लो खाओ और हम भी खाएं थोड़ा सा, चलो हो गया, आंटी के आशीर्वाद ले लीजिए, फिर ब्रश भी करना है, अभी मंजन ऊपर खत्म हो गया है, आंटी का आशीर्वाद ले लिया, आंटी का भी बर्थडे है, और कहाँ है ये सो रहा है, ये देखिए भाई, अरे बाप रे बाप, ऐसी है भाई,
नहा धो के फुर्सत हो गए और वैसे काफी लेट हो गया यार, 1 बज गया। तो प्लान ये कि हेमंत भाई किया जाना है सोनी के शोरूम, तो मॉडल कॉम्बैट 1 उठाएंगे। बल्ली भैया को बहुत बहुत धन्यवाद रहेगा, क्योंकि ये रिवाज बहुत सालों से चला आ रहा है कि मेरे हर बर्थडे में बल्ली भैया मुझे प्ले स्टेशन के DVDs गिफ्ट देते हैं मेरे बर्थडे पे। और जा रहे हैं अतुल दादा से मिलेंगे, दादा हमारे जो कॉलेज के VIP सीनियर्स में से हैं और काफ़ी टाइम हो गया मिले हुए, इससे कुछ सालों से मैं काफ़ी ज़्यादा मतलब उस टाइप का हो गया हूँ, एकाकी टाइप का, मैं बहुत ज़्यादा नहीं निकलता हूँ, बहुत ज़्यादा मुझे मतलब ज़्यादातर मैं घर में ही रहना पसंद करता हूँ, तो बहुत ज़्यादा मिल नहीं पाता हूँ उन लोगों से। तो आज बर्थडे है, दादा से आ रहे मिलेंगे तो बहुत मज़ा आएगा उनसे मिलके, और फिर नाना जी के जाएंगे। तो चलो भोजन कर ले पहले और फिर चला जाए। मम्मी मुझे भोजन चाहिए, मुझे भूख लगी है, फिर मैं जा रहा हूँ घूमने बल्ली भैया का गिफ्ट खरीदने, नाना जी से मिलने, अतुल दादा से मिलने। मुझे मोटरसाइकिल स्टार्ट कर दी है, दुख की बात यह है कि मेरा एक्शन कैमरा ख़राब हो चुका है, तो अब मैं मोटो व्लॉग नहीं बना पा रहा हूँ। टाइम मिलेगा थोड़ा रिसर्च करूँगा, फिर अच्छा मोटो व्लॉग के लिए जो कैमरा है वो खरीदूँगा। फिलहाल अभी आईफोन से ही काम चला रहा हूँ। लीजिए आ गए अपन प्रकाश ब्रदर्स सोनी के शोरूम। क्या लग रही है मेरी बाइक यार, एकदम चमचमाती हुई, नई सीट कवर भी। प्रकाश भैया हम आ गए, हमारा बर्थडे गिफ्ट कहाँ है, मतलब बल्ली भैया वाला बर्थडे गिफ्ट कहाँ है? ओहो हो हो, क्या बात, मजा आ गया देख के। ये रिवाज है जो सदियों से चला आ रहा है, मेरे बर्थडे पे बल्ली भैया मुझे गेम्स की DVD गिफ्ट देते हैं। और ये हेमंत भैया के यहाँ से ही आदमी खरीदता है। फोन से बात कर रहे क्या? नहीं। ओके, बहुत बढ़िया। गेम्स की DVD देख के ना आज ही मेरे को मजा आ जाता है, मतलब PlayStation 5 या 4 उनके जो गेम्स मेरे पास रखे, मेरे पास PS2 के भी गेम्स के बॉक्सेस रखे हैं, मजा आ जाता है भाई। द लास्ट ऑफ अस भी हम सोचे थे बट वो बिक चुका है, ले लेंगे, हो गया। कल हम उसका रिव्यू देख रहे थे, बड़ा बढ़िया ग्राफिक्स है भैया। हैं? अरे गलती हो गई मेरे से, नहीं बोलना था मुझे, लेकिन चलिए हो गया। क्या बर्थडे में एक DVD में मज़ा नहीं आता अपने? नहीं मेरा तो फिक्स वो था लास्ट ऑफ अस लूँगा, लेकिन हो गया। GTA 5 का क्या करूँगा, GTA 5 इतना खेला है भैया, इतना खेला है कि अब इसे PS5 वाले में वही होगा, कंट्रोलर वगैरह हैप्टिक फीडबैक होगा। अब तो 6 का इंतज़ार है, 6 का इंतज़ार है, तब आएगा मज़ा। ये भी गेम था बड़ा ज़बरदस्त, आज भी खेल लो तो मज़ा आ जाता है। लोग खेलते तो नहीं इसको। बढ़िया, देखें एक बार गेम से कलेक्शन, वैसे दी लास्ट ऑफ अस नहीं है। हैं? ओके देखें, ग्रैंड टूरिज्मो है, हॉराइज़न खेल चुके हैं, रैगन रॉक खेल चुके हैं, स्पाइडरमैन खेल चुके हैं, अनचार्टेड खेल चुके हैं, ज़्यादातर खेल चुके हैं भाई। बोले ये सब हम ज़्यादातर खेल चुके हैं, क्या करें, ये गेम हमारा मन है पर इतना ख़तरनाक इसका रिव्यू है कि बड़ा टफ है कहते हैं। ये बड़ा बढ़िया एक्टर इसका देखें आप, वॉकिंग डेड वगैरह, ये सेम। पहले मैं सोचा, मुझे कंफ्यूजन यही हो रहा था, फिर बाद में वो समझ में आया कि वॉकिंग डेड में है ये, और बड़ा शानदार एक्टर है डेल, कहते हैं बड़ा टफ गेम है। और ये हमारे हेमंत भाई के शोरूम में सबसे बढ़िया लगता है मेरे को। जलाओ भैया इसकी लाइट थोड़ा, तब तो मज़ा है। ये देखिए बाकायदा विंडमिल है, बहुत सारे घर हैं, कार की लाइटें भी जल रही भाई, स्ट्रीट लैंप्स भी हैं, मज़ा आ जाता है यार ये देख के मेरे को। हो गया रख लीजिए, ज़्यादातर गेम है हमारे पास, अब इसके बाद भी लास्ट ऑफ अस लेंगे।
बाकी PS4 वाले हैं ना। डेज गॉन खेले हैं आप? बड़ा जबरदस्त गेम है भाई। अब कुछ अच्छा नहीं, डेज गॉन जो है वो एक ही पार्ट है उसका, डेज गॉन बस। बहुत अच्छा, ये कितने का पड़ता है भैया? 62,000 का। ये अकेला इसमें है ये पूरा, बस ये जो चश्मा है गेम उसे कनेक्ट हो जाएगा ना तो। यार लगता है कि दो चार प्रोजेक्ट ज्यादा लेने पड़ेंगे, कमाई बढ़ानी पड़ेगी यार, होना तो ये भी हमारे पास चाहिए। क्या बात, ये रहा हमारा बर्थडे गिफ्ट, और इसके लिए हमने स्पेशली आज अपना कंगारू वाला जैकेट निकाला है, बैग कॉल लेके घूमे तो इसलिए ये कंगारू वाला जैकेट बढ़िया रहता है। तो अब हम जाएंगे, हेमंत भैया को बाय बाय करेंगे, इन्होंने हमारा फेवरेट गेम मंगा दिया, बहुत दिन से हमारी इच्छा थी इन्होंने मंगा दिया, और फोन आ रहा है तो हम बात कर लेंगे। भाई ने हमारे बर्थडे खुशी में ट्रॉफी भी खिला दी हमको, हाँ हमारे बर्थडे के लिए थी ना, तो खा लिए। ये देखो हमारा कैमरा, वो हेलमेट गिर गया तो ये भी टूट गया, वैसे भी नया हमारा, मतलब अब ये हाल हो रहा है जब होता है तो इकट्ठा होता है, कैमरा फूट गया जब खराब हो गया, अब हेलमेट ने भी इसको रिजेक्ट कर दिया, अब नया ही खरीदना है मुझे। तो चलो हो गया, चलते हैं अब, बाकी काम भी कर ले जाए, मतलब दादा से मिलने, अतुल दादा से और नाना जी लोगों से। ठीक है भैया बाय बाय। ले लीजिए अतुल दादा से मिलने हम आ गए। अतुल दादा हेलो करिए। अतुल दादा हमारे कॉलेज की VIP सीनियर्स, सीनियर मतलब। तो तुम ब्लॉग चालू कर दीजिए। और क्या ब्लॉग में, अब आपसे इतने दिन बाद मिले हैं और आज जन्मदिन का ब्लॉग बन ही रहा है तो ब्लॉग चालू करना तो बनता है। तो वही अतुल दादा से मिलना, हम बता भी रहे थे कि हम जा रहे हैं अतुल दादा से आज मिलेंगे, ये खरीदना है, नाना जी की जाना है। एक और रिवाज है इसके अलावा, वो रिवाज ये है कि हमारे हर बर्थडे में नानी हमको 500 रुपये देती है। पहले पूछा करती थी कि आज क्या गिफ्ट चाहिए, और 500 दे दीजिए, तो वो रिवाज चल गया है। फिर पिछले साल इंक्रीमेंट हुआ हो गया फिर नानी थक के हर बार पूछे, मैं बोले 500 दे दीजिए, नानी अपने आप 1,000 रुपये कर दीजिए, बोला ठीक है, हाँ तो 500 रुपये बढ़ गया। वही है, चलिए हो गया, चला जाए, नाना जी के जाएंगे और उसके बाद फिर जाएंगे घर, थोड़ा इसका अनबॉक्सिंग करेंगे और चला के देखेंगे कैसा गेम है। अच्छा ही है, मतलब अच्छा ही होगा, लेकिन थोड़ा चला के देखेंगे तो मज़ा आएगा। तो चलिए दादा को गुड डे करते हैं। और हम लोग को हमारे GC में सिखाया गया था कि इंजीनियर्स के लिए कभी रात नहीं होती, इसीलिए हम लोग नाइट में भी गुड डे करते हैं, दिन में भी गुड डे, किसी भी टाइम से गुड डे और गुड मॉर्निंग। तो और ये आज भी रिवाज चल रहा है, कई बार लोगों ने पूछा मेरे से ये अभी रात हो रही, तो उनको भी समझाया कि हम लोग के लिए कभी रात नहीं होती। और ये रहे सौरभ भाई, हेलो कर लो, लगे हुए मोबाइल में अभी। सौरभ भाई का भी बहुत बढ़िया स्टोरी है, जब हम कॉलेज में थे तो सौरभ भाई हमारे थे तो 2-3 साल जूनियर, पर हमको नहीं पहचानते थे तो हमारी पिटाई करने आए थे, फिर हो गया बाद में सौरभ को पता लगा तो हम बोले क्या होता, फिर तो सौरभ लोग बोले कि पहले तो आप मारी जाते सर, फिर बाद में आप चाहे जो करते हम लोग का, क्योंकि तब आप आउट नंबर्ड थे, मैं अकेला और सौरभ लोग कम से कम 10 लोग थे। अपना बर्थडे का 500 रुपये लेने, वो रिवाज टूटना नहीं चाहिए। पहले छू लें आप है तो नानी के अपने आशीर्वाद ले दें। नाना ऊपर क्या हाल, नाना जी, नाना जी कहाँ हैं आप, हैं यहाँ तो नहीं, अच्छा हैं तो। नाना जी मैं आ गया। आ गए, हाँ और क्या, वो रिवाज चला आया है, वो रिवाज कैसे टूटने दूंगा मैं, एक बार और ले पढ़ूं। अरे ऐसा, ये लीजिए, क्या है, एक रिवाज है, एक रिवाज है नानी से 500 रुपये लेने का। अरे बाप रे, अब तो 500 की जगह अब तो बढ़ गया, हाँ इंक्रीमेंट हो गया, इंक्रीमेंट लग गया। ये देखिए, ये हमारे बर्थडे का दूसरा रिवाज भी कंप्लीट हो गया है। पहला रिवाज बल्ली भैया का जो मॉडल कॉम्बैट मेरे
प्लेस्टेशन के लिए गिफ्ट दिया, और दूसरा हमारी नानी जो हमें हर बर्थडे पे पैसे देती है। आशीष मोटर्स, क्योंकि हमारे बर्थडे में दो तीन साल से एक तीसरा रिवाज ही हो गया, दो तो पहले से नानी पैसे देगी और बल्ली भैया गिफ्ट देंगे गेम्स की डीवीडी। अब तीसरा रिवाज हो गया कि हम आशीष मोटर्स आते हैं। तो ये रहे शुभम पांडे चोला, तो ये हमें बर्थडे विश करेंगे ब्लॉग में एक बार फिर से। बहुत बहुत धन्यवाद, तीसरी बार एक बार हैप्पी वाला बर्थडे, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आशीष भाई क्या पार्टी दे रहे हो तुम लोग आज मेरे बर्थडे को? नहीं अरे नहीं नहीं पागल है क्या, केक क्या फोड़ दे? रुक 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 जा पहले, अब केक में मजा नहीं आता। अरे नहीं तभी रुकिए, बर्थडे विश काफी है। रुको अरे वो कर रहे हैं, इसको भी ले ले, ये भी विश किया है, ये भी विश किया भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो के लिए दोबारा करवाना पड़ रहा है, एक बार हो चुका है। विनीता मैम नहीं आई, नहीं तो उनका भी आज बर्थडे है। बहुत बहुत धन्यवाद एंजल अंटू, मैं बोला कि बहुत बहुत धन्यवाद, मैंने बोला एक रिवाज है, बहुत बहुत धन्यवाद कि हमारा बर्थडे आशीष मोटर्स मनता ही हर बार। चलिए अब इसकी पन्नी निकाली जाए और थोड़ा गेम खेला जाए, देखा जाए मॉर्टल कॉम्बैट। तीसरा गेम आ गया मेरे PS5 के लिए, मतलब PS4 के तो चल ही रहे पुराने, बट ये तीसरा है गॉथम नाइट्स, जो कि डिजिटल वाला मैंने डाउनलोड किया था, काफ़ी सस्ता था उसमें इसके स्टोर में प्लेस्टेशन के, और स्पाइडर मैन तो था ही, और अब ये आया है मॉर्टल कॉम्बैट 1। इसकी पन्नी निकाली जाए और उसके बाद इसको PS5 में लगाया जाए। ये देखो मैचिंग मैचिंग, मॉर्टल कॉम्बैट खेलेंगे वाइट रिमोट से, स्पाइडर मैन खेलेंगे रेड वाले से। नहीं यार बैटरी ख़त्म हो जाती है तो दूसरा लेना पड़ता है गेम कोई भी हो। चलो डब्बा खोलते हैं। अब GTA 6 से पहले से बाहर निकला था, GTA 6 से पहले अब एक और मेरे को चाहिए गेम, और वो है द लास्ट ऑफ अस पार्ट 1। चलो आ गया टेम तुम्हारा, जाओ गुफा में। अभी तो इंस्टॉल होना है, अपने दोस्त बचपन के निरुकार के पास। निरुकार ने बिना बोले ही हेलो करना शुरू कर दिया है। ये क्या गिरा हमें पानी, टमाटर से गिर गया। तो हम लोग जा रहे हैं निरुकार, कैसे मूड जो है ना बाइक खरीदने का हो रहा है, हालांकि उसको ज़रूरत नहीं है बाइक की, लेकिन फिर भी उसको हो रहा है, तो जा रहे हैं हंटर देखने। निरुकार बहुत साल से कन्फ्यूज है कौन सी बाइक ले कौन सी बाइक ले, और आज बोला कि चलो हंटर देख के आते हैं। तो बड़े आदमी भाई पसंद आ गया तो कुछ भी ले लेंगे, लेकिन वही बोले पहले पसंद तो आए। ये देखिए आज निरुकार बाइक चलाएगा, चालू करना चाबी मत चालू करना, पहले तू बटन ही दबा दे। मेरी गाड़ी का मॉडिफिकेशन देखा, पिछला टायर मेरी गाड़ी और हैवी दिखने लग गई, और ये बल्ब बदलवा दिया। रात में ऐसा जलता है ना, ऐसा दिखता है कि मजा आ जाता है। ज़्यादा नहीं होने खर्च, क्यों बचा रहे, बैटरी बदलवा लेंगे फिर से। क्या टंकी में तेल भरा है भाई, तो मैंने कार में भी नहीं देखा। भराए रहते यार, बचपन में बहुत गाड़ियां ढंगाई हम लोगों ने, एक पहले बाकी, वैसे जैसे सब लगता है वही है, पहला नीचे बाकी ऊपर। चले चला जाए बिहार
आशीष मोटर्स रॉयल एनफील्ड। ये वाली कौन सी है? कौन सी? ये हंटर है ना? ये हंटर में तीन मॉडल है। हाँ, रेट्रो ऊपर होगा, एक ऊपर रेट्रो तो सस्ता वाला है, दो एक फिर रिबल है और एक डैपर है। मॉडल का नहीं नाम पता, चलो देख लो, चलो चलिए अंदर चलो। आपकी जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। जब से ये अरे ठंडा लग रहा है यार, जब से ये गिफ्ट मिला है हमको वेंकट सर ने गिफ्ट दिया था ये, तो देखो एक तरफ इंटरसेप्टर है, एक तरफ कॉन्टिनेंटल है। तो जब से तुम गोवा से आए बड़ा उछल रहे हो, चमक रहे हो, क्या बात है? ऐसा नहीं, गोवा गए थे तो मजा करके आए थे। चलो चले अंदर। ये वाली है, ये तो वो वाली सस्ती, ये सस्ती वाली है। कौन सी है? सस्ती वाली, ये वाली है टॉप ना, इसमें भी और जिसको एक्सेसरीज वगैरह लगवानी हो लगवा लो। ये वाली है हंटर में आपका टॉप वेरिएंट रेबल में रहती, बढ़िया है, लाइट वेट। और डैपर कौन सी है? डैपर सीज आपकी है, डैपर सीज में कलर साफ मिल जाएगी, डैपर एस, डैपर बी और एक आपका डैपर है। डैपर क्या है मतलब? डैपर सीज ऐसा होता है कि कस्टम, उससे नीचे वाली है। हां, ये आपके 195, वो आपके 2 लाख। ओके, लास्ट में तो वो मेरे को थोड़ा कंफ्यूजन हो गया था कि ये काहे ऐसा कर दिए, लास्ट में उसको बदल दिए। अब उसके आगे मुझे लगता है वो चालू कैसे होती है, मुझे लगता है उसके बाद बनेगी भी नहीं। अब तो पूरे भाई बोल रहा है कि रिबूट कर देंगे। एक नीचे बाकी ऊपर हाँ, मेरे को ये मेरा दोस्त जो अंकुर उसका बेटा देखता है ना स्पाइडरमैन का, बहुत बड़ा फैन है, तो अंकुर ने ये चीज़ बोली थी। कौन सी? हाँ हाँ, इतनी अच्छी है। चलिए, मेरे कार ने टेस्ट राइड ले ली हंटर की और अब हम लोग वापस जा रहे हैं। आज के वीडियो का समापन करते हैं, हमारा हैप्पी बर्थडे हो गया, बढ़िया गया आज का भी दिन, और आज का वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। हम मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, गुड एंड प्लीज़ टू सब्सक्राइब माई चैनल। बाय।